ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही केवल मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं भगवान। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। राम कृष्ण हरिहर शरणम मम। ओम राम कृष्ण श्री हरिहर शरणम मम। ओम श्री परमात्मन नमः। जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी ना कर सके वह क्या करे, इसके आगे के श्लोकों में उपाय बताते हैं। प्रभु जीव से समझा रहे हैं, जीव को समझा रहे हैं, जीव से वार्ता कर रहे हैं। आप इस समागम को, इस सत्संग को, इस गुरु उपदेश को, इस प्रवचन को, इस दिव्य वाणी को ध्यान से सुने। श्रद्धावन चुश्चह श्रोयादपि यो नर स्वप्य मुक्ता शुभालोक प्रण पुण्य कर्मण। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। स्वयं परमात्मा वसुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री हरि स्वरूप श्री कृष्ण कह रहे हैं, महादेव स्वरूप श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से जीव को उपदेश दे रहे हैं। आप इस दिव्य उपदेश को ध्यान से सुने। श्रद्धावान स्वयस्य पुण्य कर्मणा। गीता के बातों में जैसे सुन ले उसको प्रत्यक्ष भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है। और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किचमात्र भी कमी ना देखने वाले का नाम अनसुई है। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पूर्ण कार्यों में शुभ लोकों में प्राप्त कर लेता है। यहां दो बार अपि पद देने का तात्पर्य है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी शरीर छूटने पर शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की वाणी प्राय भ्रम प्रमाद लिप्सा और क्राण पाटव, ये चार दोष होते हैं। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों से कोई भी दोष नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की प्राविधि है। अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता किसी में कभी होती ही नहीं, इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं है। अतः गीता सुनने वाले को कोई विषय समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात ना जचे तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर असूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष मिट जाता है। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, वह रोज गीता का पाठ करता था। वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियां आती थी। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, वह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा, नहीं प्रभु। फिर पूछा, तो फिर तुम रोते क्यों हो? उसने कहा, मैं जब जीव उवाच पढ़ता हूं तो जीव भगवान से पूछ रहे हैं ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, और जब मैं श्री भगवान उवाच पढ़ता हूं तो भगवान
जीव के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और जीव का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। परंतु जीव क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर करके राजी होता हूं। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार के श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति कोई संदेह नहीं रहता। वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों में प्राप्त हो जाता है। यहां पुण्य कर्म पद से सकाम भाव पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करने वाले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है, क्योंकि प्रभु ने उनको ऊंचा नहीं माना है। प्रत्युत तो उनके बारे में कहा है कि बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, यहां उन पुण्य कर्मों को भक्तों को लेना चाहिए जिनको भगवान का प्रेम दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्यकर्मा भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार बैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि जिन दिव्य लोकों को प्राप्ति होती है, असूया दोष रहित श्रद्धावान पुरुष को गीता शून्य मात्र से उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। शुभालोकम प्रानुया पुण्य कर्म श्रद्धा भक्ति के तारंतम्य गीता को शून्य में तरंतम रहता है और शून्य के तरंतम से श्रोता को स्वर्गवादी लोकों में लेकर भागवत लोक तक अधिकार हो जाता है। अर्थात अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा, कम श्रद्धा भक्ति होगी तो अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता रखने मात्र पर भी बड़ा महत्व है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश को एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। तब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूस कर उसकी शक्ति छीड़ करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेटे गए पर बत्ती जलती रह गई, तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी, अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है बताओ? तो सिपाही बताओ तो सही। तो सिपाही परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही उसकी बात मानी नहीं। तब चुड़ैल का उस पर वस नहीं चला, तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया निकाल कर देखा तो उसमें गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महत्व बताकर अब
जीव की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भागवत गीता श्रवण के महत्व को सबके सामने प्रकट करने का उद्देश्य को आगे के श्लोक में जीव से प्रसन्न करते हैं। वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन करता है उस विषय में वह बिल्कुल निसंदेह ना हो इसे भ्रम कहते हैं, निसंदेह ना हो इसे भ्रम कहते हैं। वक्ता विवेचन में आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परता की कमी लोग समझते या समझें उसकी बेपरवाह करता है। हमें प्रमाद कहते हैं। वक्ता की रुपए, पैसे, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम आदि लौकिक परलौकिक कुछ भी पाने की इच्छा है इसे लिप्सा कहते हैं। वक्ता जिन इंद्रिया, मन, बुद्धि, वाणी आदि से अपने भाव प्रकट करता है उन कारणों में पटुता, कुशलता नहीं है और वह श्रोता की भाषा, भाव, योग्यता को नहीं जानता, इसे कारण पाटव कहते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, जिनके अनंत नाम हैं राम, कृष्ण, हरि, हर, महादेव, श्री कृष्ण, कई नाम हैं, अनंत नाम हैं, उन प्रभु को, उन ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, उस ब्रह्म ज्योति को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा को अपनी आत्मा, मन, वचन, अहंकार, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया, शरीर का प्रत्येक रोम, प्रत्येक क्षण परमात्मा को समर्पित करता हूं, परमात्मा के, प्रभु के श्री चरणों में। कृपया मेरा समर्पण स्वीकार करें प्रभु। जय श्री राम।